इन खूबसूरत रास्तों से चलकर दोस्तों आज हम पहुंचने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर। और ये लीजिए, जिस खूबसूरत जगह की बात मैं कर रही थी वो खूबसूरत जगह आपके सामने हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, ये है ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर बर्ड सेंचुरी। आज एक्चुअली हमें थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं ओपन होगा या नहीं होगा। बाहर से तो बिल्कुल लॉक दिख रहा है, लेकिन अभी हम अंदर देखते हैं। ये देखिए, पेड़ों के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो ट्रैप। और फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आज एक बहुत ही अलग जगह पे, और ये नोएडा में है। अगर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मतलब ये NCR में जितने भी हैं जगह, फरीदाबाद, वहाँ सभी लोग यहाँ पे आराम से इजली पहुँच सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये जगह जो है ना, बिल्कुल हटके जगह है। और जो नेचर प्रेमी है, जो जंगल प्रेमी है, वो यहाँ पे आने के लिए बहुत उत्सुक होंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो आज मैं आपको बहुत अमेजिंग जगह पे लेके आई हूँ, जिसका नाम है सूरजपुर बर्ड सेंचुरी। तो चलिए आज इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको इस अमेजिंग जगह के बारे में दिखाएंगे। और आपको इसके जगह के बारे में मेरे ख्याल से पहले किसी ने नहीं दिखाया होगा और नहीं बताया होगा, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे इस ब्यूटीफुल प्लेस को। पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला, और इसलिए मैं इसको दीपावली के बाद एक्सप्लोर करने आई हूँ। और उधर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं ऐसी जगह चले जो जंगल जैसा हो और हम सुकून के दो पल बिता सकें वहाँ बैठ के। तो इसलिए हम आए हैं इसे एक्सप्लोर करने। तो चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करिए इस ब्यूटीफुल सूरजपुर बर्ड सेंचुरी को। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अगर आप आना चाहते हैं इस बर्ड सेंचुरी में, तो बहुत सिंपल है, आप गूगल पर डाल सकते हैं सूरजपुर बर्ड सेंचुरी ग्रेटर नोएडा, और आप इजीली यहां पे पहुंच जाएंगे। और मैं आप इसका लोकेशन भी डाल दूंगी, एड्रेस भी डाल दूंगी, उसके थ्रू भी आप यहां पे इजीली पहुंच सकते हैं। कौन कौन से बर्ड्स यहां पे आते हैं उनके बारे में देखिए, बोर्ड लगा हुआ है और डिटेल में सारा इसमें बताया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कई जगह इनके बोर्ड्स लगे हुए हैं और चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। अर्जुन की छाल काफ़ी यूज में आती है, आई थिंक ये एडेबल होता है अर्जुन की छाल। और ये मैं फर्स्ट टाइम पेड़ देख रही हूँ, माय गॉड कितना मजबूत है ये ट्री, वाओ। इसे कहते हैं अर्जुन का पेड़। ये वाले प्लांट्स, वाटर वाले प्लांट्स, इस पे फ्लावर्स भी होते हैं ना, इसको जलकुंभी बोलते हैं, आई थिंक सो, यस दिस इज जलकुंभी। और इसमें होते हैं बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर के फ्लावर्स, शायद आज हमें देखने को मिल जाए। पक्षी बाहर के हैं वो, यहाँ ये वाले जो ये उड़ रहे हैं, वो जो बैठे साइड में, हाँ बगल में काफी बड़े बड़े। वाह,
सो ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस। ये देखिए हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसी जगह भी अवेलेबल है, पता नहीं था। कितनी खूबसूरत जगह है, आपको कितनी अच्छी आवाज सुनाई दे रही होगी पंछियों की। देखिए एक सुकून भरा एहसास, आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पे आराम से बैठिए और आराम से नज़ारे लीजिए ग्रीनरी का। ये देखिए चारों तरफ कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्री से, अलग अलग कंट्री से बहुत सारे पंछी आए हुए हैं और हमारे पास काफ़ी जूमिंग वाला कैमरा नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पंछी बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ अभी बैठूंगी कुछ देर, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, और थोड़ा यहाँ का नज़ारा लूंगी बैठ के आराम से। तब तक आप भी देखें इन सारे नज़ारों को। गाइज इस पौधे को देखिए कैसे आगे 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 बढ़ा जा रहा है। वाओ, लग रहा है जैसे नाव चल रहा है। हाँ ये उससे बैठ जाओ सीधे नीचे डूब जाओगे। अभी आप देख सकते हैं वो कहाँ था और अभी वो प्लांट कहाँ पहुँच गया। अमेजिंग, अपने आप वो आगे बढ़ते जा रहा है। पंछियों के यहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत आवाज सुन सकते हैं, ध्यान से सुने। वो देखिए उस टीले पे कितने सारे पंछी बैठे हुए हैं, वाइट में भी हैं, ग्रे में भी हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो देखिए, वो आप देखिए, ये मैं और आगे चलती हूँ और वहाँ से इन पंछियों को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे आप देखिए इस टीले पे कितने सारे पंछी बैठे हैं, ये आप देख रहे हैं कितने सारे, वाइट कलर के, ग्रे कलर के, और एक तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा सा, ओ पत्थर पे का। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम आगे और भी चीजें एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की।
गाइज यहाँ पे आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी है, ये देखिए सिटिंग के लिए आपके हैं। अगर आप थक जाते हैं तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। इवन अगर आप कुछ खाने पीने के लिए लेके आए हैं तो यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं फैमिली के साथ में। एंड प्लीज़ कचरे मत फैलाइएगा, और जो भी आपकी पॉलीथीन्स बैग्स जो भी रैपर्स आप लेके आएंगे अपने बैग में वापस से डाल लीजिएगा, क्योंकि इन खूबसूरत जगहों पे कचरा फैलाना अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि आप जब भी अगेन आएंगे और फिर गंदगियाँ रहेंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देखिए टिश्यूज और बहुत सी चीज़ें फेंक के चले जाते हैं, तो इस तरह से मत फेंकिएगा। तो काफ़ी देखिए अच्छी जगह है, वो देखिए काउच भी बहुत सारी आपको दिखेंगी काउच जा रही हैं लाइन से, और ये सारी काउ जो है पाली हुई हैं, किसी ने पाल रखा है, यानी कि पालतू हैं, पेट हैं ये। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे। गाइज वो देखिए दो और पंछी दिखे हैं, ब्लू है, मतलब ग्रे टाइप के कलर के हैं वो, और इनकी जो बीक है वो ऑरेंज कलर की है, और काफ़ी बड़े साइज में है वो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए बीच में घूम रहे हैं दोनों। क्या बनावट है इनकी, प्लीज है, वाह सो अमेजिंग। ये देखिए कितने अमेजिंग प्लांट्स हैं, वाह सो ब्यूटीफुल। आपको देख के यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये एक पेंटिंग है, जबकि ये रियल है, हकीकत है। आप यहाँ आएंगे तो आपको देख के लगेगा कि वाओ आप क्या सीन देख रहे हैं। आपको वीडियो में भी देख के लग रहा होगा कि आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, बट ये रियल है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सीन है यहाँ पे, और जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं उनके लिए भी बहुत अमेजिंग जगह है। और ये देखिए बीच में थोड़ी सी धूप, सूर्य देवता आ रहे हैं छन छन के, उनकी लाइट कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा पेड़ है, और यहाँ पे मेरी आवाज ऐसा लग रहा है कि गूंज रही है, मेरी आवाज मुझे ही वापस सुनने को मिल रही है। बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ वापस से लौट के मेरे पास आ रही है। और ये ट्री देखिए कितना अमेजिंग ट्री है, बहुत पुराना, बहुत ही ओल्ड ट्री है, और इसकी शेप देखिए, शेप तो बिल्कुल ही अकल्पनीय है, मतलब ऐसी तो मैंने शेप कभी देखी नहीं थी पेड़ की, बहुत अच्छी शेप है इसकी। देखिए आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा इन शेप को देख के। अगर आप जंगल देखने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो ये जंगल देखिए आपके लिए है, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बहुत आपको मज़ा आने वाला है इस जंगल को देख के, इन सारे पेड़ों को देख के बहुत मज़ा आने वाला है। वाकई मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ घूमते घूम कब शाम हो गई पता ही नहीं चला दोस्तों, और अब समय हो गया है यहाँ से विदा लेने का, यानी कि जाने का। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ही अच्छा प्लेस है,
आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे ज़रूर आएँ और उन्हें ज़रूर एंजॉय कराएँ। Beautiful, amazing. सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पंछियों की आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स हैं और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग। ओ माय गॉड, एक तो बटरफ्लाई मेरे मोबाइल पे आके बैठ गई है और मेरे कैमरे के ऊपर है। अब मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकती। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि मैं आप सभी से बात कर रही हूँ कैमरे के सामने और एक बटरफ्लाई आके मेरे मोबाइल के ऊपर बैठ गई है। सो क्यूट, इतना मतलब पहले तो मैंने कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है कि मैं बहुत जगह गई हूँ, वीडियो रिकॉर्ड किया है, पर मेरे कैमरे के ऊपर इस तरह से बटरफ्लाई आके बैठ जाए। सो क्यूट, अमेजिंग। ये फीलिंग इतनी अच्छी लग रही है, इतना मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से इसे भी अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने में, और इसे भी रिकॉर्ड करवाना अपनी वीडियोज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसका ज़रूर आपको वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे बटरफ्लाई आके मेरे कैमरे के ऊपर बैठ गई है, बहुत अच्छी। पता नहीं इसे क्या मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, इसे भी मज़ा आ रहा है हमारे साथ में। और यहाँ पे हवा इतनी अच्छी, इतनी कूल, और इस माहौल में दीपावली के बाद यहाँ आके डस्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लग रही है कि किसी और ही दुनिया में, इन शहरों से हम एक अलग दुनिया में आ गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी अगर यहाँ नियर बाई में दिल्ली NCR में रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए इस सूरजपुर बर्ड सेंचुरी में। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ और मैं आप सभी को भी बता रही हूँ इस जगह के बारे में, आपको दिखा रही हूँ, तो आई होप आपको भी ये जगह बहुत अच्छी लगेगी और आप भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे। सो गाइज, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि आपको अमेजिंग वीडियो देखने को मिल सके आपके अपने चैनल गो ट्रैप पे। सो फिर नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलते हैं गाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। भैया बंद किस दिन रहता है ये? 7 डे ओपन है। इधर भी है ना? जी सुनो, मेरी 4 किलोमीटर का राउंड है। कैसे राउंड? 4 किलोमीटर का राउंड है पूरा। अच्छा राउंड है ना पूरा हो सकता है। और अगर ऐसे यामा गेट निकलोगे सूरजपुर तो पड़ेगा 7 किलोमीटर के आसपास। नहीं कैसे, मैं तो समझा नहीं। कैसे गोल है पूरा राउंड है, झील के चारों साइड 4 किलोमीटर का। यहाँ से निकलो घूमते हुए आओ, यहीं आ जाओगे। अच्छा हम तो आधे से वापस आ गए, इधर दूसरा है। नहीं अब गाड़ी क्यों चलते हैं आप? चलते चलते थक जाओगे फिर आने। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम होना था रात दिन का, पर जोर नहीं। इतना तो वॉक तो कर ही लेते हैं सुबह हम लोग, यही कर ले और क्या। हाँ वैसे गाड़ी रहे अपनी, बाइक से नहीं, गाड़ी अलाउड बाइक भी अलाउड नहीं है। पैदल तो जा ही सकते हैं ना, पैदल आप यहाँ पे। लेकिन वाटर लिली होगा तो नहीं डाला गया, जैसे यहाँ पे इतना झील है, इसे वाटर लिली का एक आम तो पौधा डालना चाहिए। कमल उमल जैसे पड़ जाए, कमल डाले हुए थे, डाले हुए हैं। अच्छा हुए अच्छा, तो क्या अच्छी तरह कम आते हैं पेड़ पौधे यार।
अच्छी जगह है, पीसफुल प्लेस है। मैं वो वैसे फूल वगैरह के पेड़ ना, ये नील गाय वगैरह ये उन्हें नहीं देती, वो खा जाती है, नील गाय खा जाती है। फल वाले फल वगैरह कब लगाते हैं? अच्छा, ये हमने लगाए हुए पत्तियां सब खा जाती है। नहीं फल का तो नहीं चलेगा, लेकिन जैसे इसके पानी में वो डाल दे कमल जैसे आते हैं, वाटर लिली का जो होता है ना, लोटस कम और वो वाटर लिली को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद कुमुदनी बोलते हैं उसको, वो बहुत अच्छा खिलेगा। और एक डाल देंगे तो पूरा फैल जाएगा उससे, और जब उसके फूल पूरे पानी में दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे वहाँ डल झील में देखते हैं कितने सारे फूल 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 दिखते हैं। जलकुंभी की वजह से ये सब नहीं, जलकुंभी की वजह से नहीं होंगे। हाँ, शोक समंदर है ना इसके अंदर, वो काफी अभी तो निकलवाया है ये। अच्छा, ये निकालने में हर साल 20-22 लाख रुपए लग जाते हैं जलकुंभी निकालने में। मैंने काम चला अभी इसमें, वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, वो भी दीपावली की वजह से बंद है, 3 दिन पूरा निकाल दिया जाए एक बार तो खत्म नहीं हो सकता। नहीं होता, इसका जड़ छोड़ता नहीं।